हेलो दोस्तों, प्रीतिस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, और वो भी चूल्हे पे, बिल्कुल देसी स्टाइल में। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है दो बैंगन मीडियम साइज के, एक पूरा लहसुन, दो मीडियम साइज की प्याज, दो टमाटर, हरा धनिया, तीन से चार हरी मिर्ची। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने आग जला ली है। तो मैं ये जो बैंगन मैंने लिए हैं, वो इनको जो है आग में अच्छे से भून लूंगी। इससे क्या होता है ना, गैस पे भूनने में फ्रेंड्स इतना टेस्ट नहीं आता जितना टेस्ट है ना ऐसे चूल्हे पे देसी स्टाइल में बैंगन भूनने पे आता है। हमारे यहाँ पे है ना, ज्यादातर है ना गांव की तरफ इस तरह से ही हम बैंगन का भरता बनाते हैं। तो मैं इस तरह से है ना दोनों बैंगन को भूनने के लिए रख दूंगी, और जो हमारी जो ये आग है इसको अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि जो हमारे बैंगन है वो अच्छे से सिक सके। तो इधर जो है ना मैंने बैंगनों को भूनने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे बैंगन नहीं भूनते तब तक जो है मैं जो ये सब्जियां मैंने ली है वो कट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं जो प्याज है उसको बारीक छील के कट कर लूंगी। और इसी तरह से मैं जो है ना जो मैंने लहसुन लिया है उसको भी छील के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेरा लहसुन है ना वो बिल्कुल कच्चे वाला था, वो देखिए इसका छिलका ऐसे ही हट चुका है। मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि जो ये लहसुन है ये बिल्कुल ताजी था। ये देखिए इसका छिलका भी बहुत ज्यादा पतला है, तो मैं इसको छीलूंगी नहीं, ऐसे रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कच्चा लहसुन है। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पे है ना सभी सब्जियों को छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं जो है प्याज, टमाटर और लहसुन को कट करना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी कट कर लिया है, प्याज और हरी मिर्ची भी कट कर लिया है। अब लहसुन कट कर रही हूँ बारीक बारीक। फ्रेंड्स चूल्हे के खाने पे ना स्वाद ही अलग होता है, और देखो मुझे ना अभी से खुशबू आने लगी है क्योंकि जो हमारे बैंगन है ना वो भुनना शुरू हो चुके हैं, और उनमें से ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर जैसी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स जो है ना मैं ये जो बैंगन भून रही हूँ ना, ये जो ओपले होते हैं ना गोबर के जो होते हैं उसमें भून रही हूँ। इससे क्या होता है ना, मतलब अलग ही बिल्कुल भून के आते हैं बैंगन, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जितना ना गैस पे नहीं भून पाते इतनी अच्छी तरह से, और टेस्ट भी इतना अच्छा आता ना, बहुत अच्छा। आप है ना इस तरह से अपने घर में है ना जरूर बना के देखे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देखिये मेरा जो लहसुन है वो भी कट हो चुका है। अब मैं ना एक बार जो हमने बैंगन भूनने के लिए रखे थे वो चेक कर लेते हैं। वो देखिए यहाँ पे जो बैंगन है वो भून चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए जो बैंगन है वो भून चुके हैं, मैं इनको जो अब निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम नरम हो चुके हैं बैंगन भून के, जो है मैं चूल्हे में आग चला देती हूँ बैंगन का भरता बनाने के लिए।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है ना हमारी आग जल चुकी है। अब मैं जो है कढ़ाई चढ़ा दूंगी। मैंने ना कढ़ाई के पीछे मिट्टी लगा ली थी ताकि जो हमारे बर्तन है ना वो ज्यादा काले ना हो और मांजने में भी है ना ज्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं सबसे पहले ना कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ाऊंगी, करीब एक बड़ा चम्मच, और तेल को गर्म होने तक इंतजार करेंगे। मेरी आंखों में बहुत लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैंगन लिए हैं उनको छील लेते हैं। पहले मैं इस तरह से कट लगा लूंगी। ये देखिए, ताकि ये ठंडे हो सके इसको भी मैं इसी तरह से छील लूंगी। ये देखिए हमारा बैंगन एकदम साफ है। देखिए पहले जो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बैंगन के अंदर क्या होता है तो मैं हमेशा अच्छे से चेक करके तब बनाती हूँ। ये देखिए हमारे जो बैंगन है वो एकदम साफ है। तो सबसे पहले मैं इसका छिलका हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो बैंगन है वो मैंने छीन लिए है और इनको अच्छे से बारीक कर लिया है चाकू से, और साथ ही साथ हमारा जो तेल है सरसों का वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैं सबसे पहले इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालूंगी। इसी के साथ मैं जो है जो हमने लहसुन कट करके रखा है वो डाल देंगे, और लहसुन को जो है ब्राउन होने तक वेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा लहसुन है वो भी साथ के साथ ब्राउन हो चुका है। मैंने जो प्याज कट करके रखी थी और हरी मिर्ची वो ऐड करेंगे। प्याज को जो है हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। और टमाटर को जो अच्छे से पकने देंगे, और साथ में ही मैं डालूंगी हरे मटर। अभी जो है हम वेट करेंगे टमाटर और मटर का पकने तक। तो फ्रेंड्स अब हम एक एक करके सभी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, और सभी मसालों को जो अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है हमारे सभी मसाले टमाटर और मटर अच्छे से भुन चुके हैं और पक चुके हैं।
अब मैंने जो बैंगन छील के रखा था कट करके वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं डंठल भी डाल रही हूँ, आप जो इसको निकाल भी सकते हैं। हमारा जो भत्ता है वो रेडी होने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगी, जो हमने धनिया ले लिया है उसको तो बारीक कट कर लेंगे भरते में डालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो धनिया वो भी कट हो चुका है और जो हमारा भरता है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बार और चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो हमने हरा धनिया कट करा है वो धनिया इसमें ऐड कर देंगे भरते में। तो ये देखिए हमारा बैंगन का भरता कितना लाजवाब बन चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, चूल्हे के खाने का मजा ही अलग होता है। फ्रेंड्स अगर आज आपको मेरी ये बैंगन के भरते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर किया करो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।